तो हम आपको ले चलते हैं आज, कहाँ ले चलते हैं? आज क्रिसमस है तो आज हम आपको चर्च ले चलते हैं। अभी हमारे घर से चर्च है 2-3 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जिसका नाम है लोग देखेंगे। और आज हम आपको ले जा रहे हैं चर्च। आज 25 दिसंबर है और चर्च में जाके देखते हैं भाई क्या माहौल है चर्च में, सेलिब्रेशन का माहौल होगा वहाँ पे। खुदा बाप इन बच्चों को बरकत दे, मसीह में बढ़ने का बल बहुत अच्छा जीवन दे, अपनी शांति अपनी सुख भैया कर अब यीशु के नाम से। जय मसीह की। इधर से निकल जाए बेटा। खुदा बंद आपके साथ हो, प्रभु में बढ़े, बहुत सारा फल लाए। ये साल आपके लिए आशीषमय हो, बरकत का स्वभाव हो, प्रभु आपकी मुराद को पूरी करे, प्रभु में बढ़ने का बल दे। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के रिगार्डिंग जो है क्रिसमस पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, और इस वर्ष भी पूरी दुनिया में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है, लोगों में भारी उत्साह है। और इसका जो क्रिसमस का जो मीनिंग है, इसका मतलब है क्राइस्ट मस, मतलब जो जीसस क्राइस्ट है वो मस का मतलब है लोग, लोगों के लिए है, जीसस क्राइस्ट लोगों के लिए आए। और मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि अगर दुनिया में कोई ग्रेट पर्सनालिटी जब पैदा होती है तो वो किसी किंग फैमिली में पैदा होती है, तो उसकी जो इनविटेशंस है वो बड़े बड़े लोगों को जाता है कि किंग फैमिली में ये आदमी पैदा हुआ है, ये बच्चा पैदा हुआ है, तो उसके लिए बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है उस बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन जीसस क्राइस्ट के बर्थ की जो खास बात है वो ये है कि वो एक आम घर में पैदा हुए, और जब उनका बर्थ हुआ तब वो जो इज़राइल का नासरत नगर था वहाँ पर एक अनाउंसमेंट हुई थी कैसर की तरफ से कि सभी लोग जो हैं वो नासरत में आकर अपनी जो है सेंसस कराएं, अपना नाम लिखाएं। दुनिया की जो पहली सेंसस है वो प्रभु यीशु मसीह के बर्थ से ठीक पहले अनाउंस की गई। तो जब सभी लोग नासरत की तरफ जा रहे थे सेंसस करवाने के लिए, अपने नाम लिखाने के लिए, उस वक़्त की रोमन हुकूमत के जो सेंसस रिकॉर्ड में, तो दुनिया बहुत जा रही थी, रश बहुत था, तो तब प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने का भी समय आ गया, तो उनको जगह नहीं मिल रही थी कि वो कहाँ पर मदर मैरी और जूसफ जो मदर मैरी के हस्बैंड थे वो कहाँ पर जीसस क्राइस्ट को जो है बर्थ करें, क्योंकि वहाँ जगह नहीं मिल रही थी। तो लास्ट में जो खानदानी जिस्मानी रूहानी आशीषों से भरो, प्रभु में बढ़ो, तेरे नाम की बड़ाई करें और आगे बढ़ें, इस बच्चे को आशीष दे। खुदावंद ये बच्चा अपने माँ बाप की इज्जत का सबब हो, इस बेटी की मुराद पूरी हो यीशु के नाम से। प्रभु यीशु इस बच्चे को अपनी आशीष से भर। जगह मिली, वो जगह जो है वो गौशाला थी, तो गौशाला में प्रभु यीशु मसीह का बर्थ हुआ। तो जो गौशाला में चरनी होती हैं, जो गऊओं को जिसमें चारा डालते हैं, जब उनका बर्थ हो गया तो फिर प्रभु यीशु मसीह को कपड़े में लपेट कर उस चरनी में डाला गया। तो चरनी का भी मतलब है
जब हम अपने अपने घरों में जिन लोगों ने गायें रखी हैं या भैंसें रखी हैं, तो वो जब पट्ठे डालते हैं उनको, तो वो सिर जो है झुकाना पड़ता है। अब खड़े होकर उसमें पट्ठे नहीं डाल सकते, तो जो लोग भी आ रहे थे प्रभु के दर्शन करने, उनका सिर उनके आगे झुक रहा था। तो सबसे बड़ी बात मैंने पहले जो कोड की है कि जब किंग फैमिली में कोई बच्चा पैदा होता है तो बड़े बड़े लोगों को मैसेज आते हैं, तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो गिफ्ट लेकर आते हैं। लेकिन जब प्रभु का बर्थ हुआ तो आसमान से फरिश्ते आए, तो फरिश्तों ने जब आसमान से आए तो उन्होंने तब नासरत में ही एक जगह जो गडरिए होते हैं शेफर्ड जो बेड़े चराते हैं, तो वो बेड़े चरा रहे थे रात को। तो वो आम लोग थे जिनको कोई पूछता नहीं था, तो वो उनके पास फरिश्तों ने जाकर उनको खुशखबरी दी कि आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपके उद्धार के लिए, आपकी सालवेशन के लिए, आपको बचाने के लिए परमेश्वर का पुत्र पैदा हुआ है नासरत के बैतलहम में। तो उसके उन्होंने फरिश्तों ने जो एंजल्स होते हैं उन्होंने उनका उनके साइंस भी बताए कि आपको कैसे पता चलेगा। उन्होंने साइन भी बताए कि आप जाओ तो एक गौशाला में एक चरनी में बोल कपड़े में लपेटे हुए मिलेंगे, आप उसके दर्शन करो। दर्शन करने का मतलब कि आप जाकर शुक्र करो क्योंकि आपके छुटकारे का समय आ गया है। क्योंकि रोमन हुकूमत उस समय यहूदियों पर अत्याचार करती थी, डिक्टेटरशिप था, डेमोक्रेसी नहीं थी, तब जुल्म होता था लोगों पर। इसीलिए फरिश्तों ने आम लोगों को सूचना दी कि अब आपका समय बदलने वाला है, क्योंकि सालवेशन के लिए, उद्धार के लिए, आपके छुटकारे के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे का बर्थ कर दिया है। तो ये जो खास चीज़ें हैं क्रिसमस से जुड़ी हुई हैं। तो अब हम जो इस समय 2021 में ये जो 2021 कैलेंडर है पूरी दुनिया का, ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद से शुरू हुआ है। और ये हेब्रियो इसका शब्द है, एंडोमनी इसका अर्थ है, और इसका मतलब है प्रभु का साल। ये जो कैलेंडर दुनिया में चल रहा है जिसको इस भी बोलते हैं, ये प्रभु के जन्म के बाद से शुरू हुआ। तो 2021 साल हो गए हैं उनको पैदा हुए, तो अब हम प्रभु को बच्चे के रूप में सेलिब्रेट नहीं करते, हम प्रभु को उनका जन्मदिन हम बच्चे के रूप में नहीं सेलिब्रेट करते। बच्चे के रूप में वो पैदा 2021 साल पहले हो गए, हम उनको सेलिब्रेट करते हैं उनके कामों के उदार पर, कैसे उन्होंने हमें छुटकारा दिया। उन्होंने फाइट बहुत की रोमन हुकूमत के खिलाफ, बहुत लड़ाई लड़ी, लड़ाई हथियारों से नहीं, उन्होंने एक विचारधारा से लड़ाई लड़ी कि इंसान को जीने का हक है, उसको जीने का हक दो, उनके साथ आप जुल्म ना करो। अगर आपको हक है सारी बातों का तो उनका भी हक है। तो प्रभु यीशु मसीह ने डेमोक्रेसी के लिए, इज़राइल को आज़ाद कराने के लिए भी लड़ाई लड़ी। एक्चुअली वो दो मकसद से आए, परमेश्वर ने अपने बेटे को दो मकसद से भेजा। एक तो मकसद था लोगों को खुदा से जोड़ना, परमेश्वर से जोड़ना, और दूसरा मकसद था कि जो लोगों पर जुल्म हो रहे थे रोमन हुकूमत की तरफ से, उनसे लोगों को बचाना। और ये दोनों ही कार्य उन्होंने बड़ी ईमानदारी से किए, बड़ी निडरता से किए। वो कभी भी अपना स्टैंड नहीं बदलते थे कि इस तरफ आप कुछ बोल दिया, इस तरफ वो जो वो कहते थे वो करके दिखाते थे। तो उन्होंने अपने आप को उस ढंग से ही लोगों में पेश किया जिसके लिए उनको खुदा ने भेजा था। तो आज हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस को, उनकी दूसरी आमद, जो हॉली स्क्रिप्चर बाइबल है उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह दूसरी आमद के लिए आएंगे, फिर जस्टिस के लिए आएंगे, क़यामत के लिए आएंगे। तो फिर क़यामत होगी। तो अब हम जो क्रिसमस हैं वो हम 2021 साल पीछे जाकर नहीं मनाते, हम उनकी दूसरी आमद के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएं तो हम उसके साथ स्वर्ग में उसके साथ उठाए जाएं।
क्योंकि इंसान के शरीर में मरने के बाद एक और जीवन है, सदा का जीवन, उसके लिए हम क्रिसमस मना रहे हैं। तो आज जो हमने क्रिसमस मनाया वो धर्म के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए, ये मनुष्य जाति के लिए हम मना रहे हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं, आपने शॉट भी लिए होंगे कि लोग जो हैं पूरे शहर के वो आ रहे हैं और चर्च के अंदर लाइन लगी हुई है, लोग प्रेयर करवा रहे हैं पादरी साहब से। ये एक मैसेज है कि जहाँ कोई पार्टिकुलर किसी धर्म के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए प्रेयर है, सब लोग आ रहे हैं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, खुशी से आ रहे हैं। उनको लगता है कि अगर हम आज क्रिसमस के मौके पर चर्च में जाएंगे, कैंडल जलाएंगे, आप बाहर दे सकते हैं, जो प्रे टावर बनाया आपने शॉट लिया होगा, तो वहाँ पर लोग जो हैं वो कैंडल जला रहे हैं, उनकी एक श्रद्धा है, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि मैं जगत की ज्योति हूँ। कैंडल का मतलब भी लाइट है, तो वो कैंडल जला रहे हैं और लोग जो है प्रेयर कर रहे हैं और वो ये दुआ कर रहे हैं कि आने वाला साल बढ़िया। तो ये चीज़ें हैं क्रिसमस के साथ जुड़ी हुई। क्राइस्ट मतलब प्रभु, यीशु मसीह, मस मतलब लोग, लोगों के लिए प्रभु, वो किसी बादशाह के लिए नहीं आए, किसी किंगडम के लिए नहीं आए, किसी राज्य के लिए नहीं आए, वो ऑर्डिनरी लोगों के लिए। तो आप लोगों को ये चीज़ जो है वो पता चलेगी, मेरा विश्वास है आपके माध्यम से, और आप जो कवरेज कर रहे हैं लोगों को बहुत फ़ायदा होगा जानने, क्योंकि हिस्ट्री आनी चाहिए, किसी भी धर्म की जो हिस्ट्री है पता होनी चाहिए। जब तक हम अपने जो हमारे पैरोकार्स हैं जिनके मार्गदर्शन में हम, अगर उनके बारे में हमें पता नहीं तो उनके दिनों को मनाने का कोई फायदा। तो हम इसीलिए मनाएंगे जब हमें हिस्ट्री पता होगी। तो हिस्ट्री यही है कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो सारी दुनिया के लिए आए, किसी खास लोगों के लिए नहीं आए, सबके लिए, जो आम लोग हैं उनके लिए आए, उन्होंने उनके लिए ही काम किया, उनके राइट्स के लिए काम किया। तो लोग आज आ रहे हैं, लाइटिंग का भी त्यौहार है, इसे सेकंडली हम कहते हैं, ये जो लाइटिंग आप देख रहे हैं ये लाइटिंग का भी त्यौहार है सारे वर्ल्ड में। आप सोशल मीडिया पर देखें, फेसबुक पर नेट खोलें, पूरे यूरोप में, अमेरिका में, बड़े बड़े चर्चेस में लाइट, लाइट का मतलब यही है कि जिन लोगों की जिंदगियों में अंधेरा है हम उनकी जिंदगियों में रोशनी करना चाहते हैं, इस त्यौहार से रोशनी हो। तो ये लोग जो आ रहे हैं, मेरा विश्वास है कि उनके जिंदगियों में जो अंधेरा है वो लाइट में बदल जाएगा। कई लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, संघर्ष करते हुए हार जाते हैं, लेकिन हमारा विश्वास है लोग हारेंगे नहीं, आज के दिन से उन्हें बूस्ट मिलेगा, वो संघर्ष में आगे बढ़ेंगे और ज़िंदगी में कामयाब होंगे। तो जीसस क्राइस्ट ने भी बहुत संघर्ष किया मनुष्य के शरीर में, बड़ी फाइट की, लेकिन वो हारे नहीं, वो अपने मकसद में आगे बढ़ते गए। तो मैं भी आज इस हिस्टोरिकल डे पर सभी देशवासियों को, पंजाब वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कभी हार ना माने ज़िंदगी से, लड़ना सीखिए, अपने राइट्स के लिए लड़ें, अवेयर हों, तभी डेमोक्रेसी भी मजबूत होती है। इज़राइल की डेमोक्रेसी दुनिया में सबसे बढ़िया डेमोक्रेसी है, वहाँ लोग जो हैं राज करते हैं, जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे वो राज नहीं करते। यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि लोगों को पावर मिलनी चाहिए। तो इस देश में भी हम ये विश्वास करते हैं, आज के क्रिसमस सेलिब्रेशन से मैसेज आएगा, लोग अवेयर होंगे कि लोगों के पास पावर हो, लोग जुड़ें अपने राइट्स के लिए, यूनिटी में आएं। ये जो धर्म जात पात का जो बातें हैं ये ख़त्म होनी चाहिए। इंसान सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत से हमें एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है। सो एक बार फिर मैं सभी देशवासियों को क्रिसमस की और नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, मोना मेमोरियल चर्च की ओर से भी, क्योंकि मोना मेमोरियल चर्च ये 110 साल पुराना चर्च है। आप इस बिल्डिंग को देख रहे हैं, आपने शूट किया है, ये बड़ी पुरानी बिल्डिंग है, ये आज़ादी से पहले की बिल्डिंग है, हमारी एज भी अभी उतनी नहीं है। ये चर्च जो है बहुत पुराना है और इसको हम कभी भी इसकी रेनोवेशन करते हैं, लेकिन इसके डिज़ाइन से हम छेड़छाड़ नहीं करते,
क्योंकि इसमें ब्लेसिंग है, जो लोग आ रहे हैं ब्लेसिंग के लिए आ रहे हैं, ये हिस्टोरिकल चर्च है। तो लास्ट में मैं एक बार फिर क्रिसमस की और नए साल की सभी देशवासियों को और अपने होशियारपुर के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। खुदावंद इसका भला कर इसके जीवन में अपनी बरकत दे, इस घर में रौनक जीनत और तेरा अनुग्रह पड़े। जीसस ने प्रभु आपको बहुत आयत का जीवन दे, लगातार बढ़े, बहुत सारा फल लाए। जीसस ने परमेश्वर आपके घर में सुख दे, प्रभु में बढ़ने का बल दे। प्रभु आपके जीवन में आशीषित हों, अपनी नज़दीकी में बड़ा, इस बच्चे को अपनी नज़दीकी में बड़ा प्रवेशु आशीष दे, कामयाबी दे, प्रभु में बढ़ने का मसा दे। पिताजी बेटी प्रभु में बड़े, बहुत सारा फल है। प्रभु इस बच्ची का यहाँ ना आशीष का कारण हो। पिता इस बच्ची के जीवन में अपनी महिमा कर, आसमान के जोखों के आशीष से भर, ये बच्चा अपनी माँ बाप की इज्जत का कारण बने। इस तरफ हो जाए पिताजी, इस बच्चे के जीवन में अपनी महिमा करो। खुदावंद अपनी महिमा में इस बच्ची को बढ़ा, अपनी जलाल के इस्तेमाल कर। खुदावंद आपको बरकत दे, प्रभु आपके साथ हो, आपके घर में सुख आए। पिताजी इस जीवन में तेरे नाम की बड़ाई हो। प्रभु जी इस बच्ची को शिफा दे, घुटनों की दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाए, के जीवन में अपना मसा दे, पवित्र आत्मा से भर, बहुत अच्छा जीवन दे। प्रभु इस बच्चे के साथ हो, अपनी महिमा में संभाल, आशीष दे, पवित्र आत्मा इस बच्चे की रक्षा कर। मे दिस क्रिसमस ब्रिंग हैप्पीनेस फॉर यू। हेवनली फादर ब्लेस दिस गर्ल विद द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। खुदावंद आपके जीवन में अपनी महिमा प्रकट करें। जीसस ने मे गॉड ब्लेस यू इन अबंडेंस। प्रभु आपको कामयाबी का मसा दे। जीसस ने